हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देवेंद्र बाला आंबेडकर द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई 11 दिसंबर। वसोवा विधानसभा शिवसेना के समन्वयक और मुंबई महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल के नेता देवेंद्र बाला आंबेडकर की अध्यक्षता में मॉडल टाउन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्वप्नाक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट और वेदामृत हेल्थ एंड वेलनेस केरला आयुर्वेदिक क्लिनिक ने रविवार 10 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चाचा नेहरू उद्यान वसोवा मेट्रो स्टेशन के नजदीक अंधेरी पश्चिम सुबह 9 बजे से भव्य रूप से मुफ्त आयुर्वेद निदान और शिविर का आयोजित किया गया। उपरोक्त शिविर में डॉक्टर दीपाली एस मराठे और डॉक्टर अमित एल चौधरी व उनकी टीम ने आए हुए नागरिकों की जांच कर बीमारी का निदान किया और उन्हें मुफ्त में 7 दिन की दवाइयां भी दीं। मुफ्त आयुर्वेद शिविर का स्थानीय सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। इस शिविर में मुख्य रूप से शिवसेना के महासचिव अमोल कीर्तिकर उपस्थिति थे। उन्होंने देवेंद्र बाला आम्बेडकर की तारीफ करते हुए उन्हें शुभेच्छा दी। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से मॉडल टाउन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व स्वप्नाक्षय मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश धेरे, सचिव अशोक मोरे, मुख्य सल्लागार अनिल राव, सल्लागार संजीव कल्ले बिल्लू, सल्लागार प्रशांत कासिद, एडवोकेट मनोहर नायक, विजय जाधव अध्यक्ष गायकवाड़ केंद्र उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम में अंकुश दादा पाटिल, नवीन चौधरी, प्रकाश जोशी, सुदर्शन जाघव, अमित परहाट, स्वप्निल शिवेकर, अंकिता मोहिते, विवेक पंगेरकर, नासिर अंसारी, दिनेश गवलानी, सतीश चंद्र ठाकुर, आशीष सिंह, प्रतीक सुर्वे व अन्य गणमान्य लोगों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। इस अवसर पर शिवसेना के महासचिव अमोल कीर्तिकर ने पत्रकारों को बताया कि मॉडल टाउन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्वप्नाक्षय मित्र मंडल, वेदामृत हेल्थ एंड वेलनेस, केरला आयुर्वेदिक क्लिनिक के माध्यम से यहाँ पे आज मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। उनके मुख्य आयोजक है हमारे शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी माजी नगर सेवक बाला आंबेडकर जी, और स्थानिक लोग जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पे मेडिकल कैंप में आके अपना हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। कोविड के बाद में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है, लेकिन पब्लिक तक ये सुविधा पहुँचनी चाहिए। इस हिसाब से बालाजी ने यहाँ पे अच्छा उपक्रम लिया है। बालाजी के माध्यम से बहुत से उपक्रम यहाँ पे लिए जाते हैं और मॉडल टाउन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अच्छा इसमें सहयोग करती है। स्वप्नाक्षय मित्र मंडल भी साथ में काम करता है, क्योंकि एक प्रोग्राम करने के लिए उनको कार्यकर्ता की भी ज़रूरत रहती है। तो ये सब यहाँ के जो कार्यकर्ता जो है जो बालाजी के साथ में यहाँ पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले यहाँ पे चाचा नेहरू उद्यान में एक बड़ा बच्चों का एक फंक्शन किया गया था, बाल दिन यहाँ पे मनाया गया था अच्छी तरह से, और जो ज़रूरतमंद है उनको बहुत से मेडिकल चीज़ें भी यहाँ पे बांटी गई थी। उसके पहले मैं भी 15-20 दिन पहले आया था यहाँ पे, कोजागिरी के दिन एक गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पे यहाँ के सारे जो रेसिडेंट्स थे वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने अच्छा वहाँ पे एंजॉय किया। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम, यानी हेल्थ केयर के हो, सोशल हो, स्पोर्ट्स के बारे में हो या कल्चरल के बारे में हो, वो बाला आंबेडकर जी के माध्यम से यहाँ पे किए जाते हैं। और हमेशा हमको बुलाते हैं, हम यहाँ पे 100% आते हैं, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है उनके पास जाके उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी हमको कॉन्ग्रेट्स करना है, उनको भी सराहना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आते हैं। मॉडल टाउन रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज हमने ये आयुर्वेदिक शिविर रखा है, मुफ्त फ्री है ये। ये हमारे जो चेयरमैन है बाला आंबेडकर जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोग ने सब मिलके किया है। इस मेडिकल कैंप में, ये आयुर्वेदिक है, इसमें हमने महिलाओं के लिए, फिर उनका त्वचा रोग है जो, इसके बाद संधिवात है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो भी बीमारी है वो यहाँ पर उसका चेकिंग होता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 7 दिन की मुफ्त हम लोग दवाई दे रहे हैं उसके लिए। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है अंबेडकर साहब, उन्होंने ये शिविर हम लोग ने सब मिलकर शिविर रखा है। ये इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2-3 हज़ार हम पैम्पलेट बांटे हैं हर जगह पे, हर आदमी को
ये सुविधा लेना चाहिए। हम सबको बोल दे आइए ये टाइम से ये टाइम तक आइए, जितना टाइम तक आएगा उतना हम उनको सबको सुविधा दे देंगे और ऐसे हम काम करते रहेंगे। बाला अम्बेडकर साहब ने जो प्रोग्राम रखा है मेडिकल चेकअप का, ये वो हर साल करते हैं, इसी हिसाब से इस साल भी उन्होंने रखा है। उनके बहुत से कार्यक्रम थे उसमें मेडिकल कैंप का उनका हर साल ये कार्यक्रम रहता है, और एरिया के लोगों को जो भी मेडिकल सुविधा चाहिए, उनको जो बीमारी कुछ कभी मालूम नहीं पड़ती है वो बीमारी के बारे में भी यहाँ आने के बाद जानकारी होती है और उसका आगे का इलाज किया जाता है। इस इरादे से उन्होंने हर साल ये कैंप रखने का इरादा पहले से किया, 15 साल से करते आए ले आगे करते रहेंगे। आज हमने हमारा सौभाग्य और हम लोग मॉडल टाउन वासी बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलो हर वक्त में किसी के भी वक्त में खड़े रहने वाले ऐसे एडवोकेट मनोहर नाइक साहब यहाँ पे हैं। और एडवोकेट मनोहर नाइक साहब का महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र गोवा में 15 एडवोकेट में उनके चुनने गए और चुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका बहुत बड़ा सत्कार किया। ये हमारे लिए अभिमानास्पद ऐसी चीज़ है। प्रशांत काशी सर और एकता मंच के उपाध्यक्ष है, हमारे सलाहकार भी है और हमारे साथ काम करते हैं। उनका भी वर्सोवा विधानसभा बोलो अंधेरी विधानसभा बोलो इस क्षेत्र में उन्होंने अपना झंडा सामाजिक कार्य करते हुए अपना झंडा गढ़ा है और बहुत लोगों की बोलती उन्होंने बंद कर दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसे सामाजिक उपक्रम वो करते रहेंगे और लोगों के बीच अपना नाम और हमारा भी मंडल का नाम ऊपर करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। मॉडल टाउन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारे अध्यक्ष राजेश डेरे है, चिटनीस मोरे है, उसके बाद प्रशांत काशी जी है, अनिल राउत जी है, संजीव कल्ले जी भी है। हम लोग ये मेडिकल कैंप हर साल रखते हैं और ये बार कुछ अलग करने का कोशिश में हम लोग आयुर्वेदिक कैंप रखा और आयुर्वेदिक कैंप से लोगों की जो तकलीफें हैं घुटनों की बोलो फिर उनकी स्किन की बोलो और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हमने डॉक्टर दीपाली मराठे और अमित चौधरी जो डॉक्टर है केरला आयुर्वेदिक के उनकी तरफ से ये करने की हमने कोशिश की है। मैं आज जो हमारा भाग्यशाली दिन है और हम काम करते रहते हैं, हम स्कूल बैग कंपोस्ट बैग और बच्चों के लिए भी प्रोग्राम किए थे, मेरे ये भाग्यशाली दिन पे मैं एडवोकेट नाइक साहब को उनका स्वागत और सत्कार करना चाहता हूँ कि हमारा मॉडल टाउन का नाम उन्होंने महाराष्ट्र गोवा और दिल्ली तक पहुँचाया। ऐसे हमारे नेता बोलेंगे तो हमारे बुजुर्ग हमारे पिता समान ऐसे एडवोकेट नाइक का स्वागत राजेश डेरे को बोलता है उनका करें। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज श्री अभय ओक जी वहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे और ये जो फंक्शन किया गया था हमारे बारे में वो फंक्शन महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से किया गया था। ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है और मेडिसिन का आयुर्वेद ब्रांच है उसके तहत आज की जनरेशन बहुत सारे उपचार ढूंढती है। तो बाला भाई अम्बेडकर ने जिनको हम प्यार से बाला भाई कहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आम जनता के लिए ये जो सुविधा मुहैया करा रहे हैं और ये दवाइयाँ लेने के बाद में कंटिन्यूसली अगर उसको फॉलो करेंगे तो जड़ से वो बीमारियों को से दूर रह सकते हैं और ये उनका बहुत ही अच्छा अभियान है जो आयुर्वेदिक मतलब आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रचलित भी हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में अपने हिंदू धर्म में एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो नेचर अपने को देता है उसका सही उपयोग आज आयुर्वेद में हुआ है। आज लोगों को एंटीबायोटिक लेके तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़रअंदाज किए जाते हैं, वो यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद का प्रसार होना ज़रूरी है और ये मॉडल टाउन वेलफेयर एसोसिएशन जो बाला अम्बेडकर जी है, राजेश डेरे जी है, उनके नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये आयुर्वेद का प्रसार कर रहे हैं। आयुर्वेद लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंगीक बने, ये बहुत ही ज़रूरी है आने वाले दिनों में। शिविर हर साल के वैसे ही हो रहा है। इस शिविर की खासियत ऐसी है और बाला भाई की मेन खासियत ऐसी है कि जी हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है यहाँ के मॉडल टाउन रेसिडेंट एसोसिएशन और सपना श्री मित्र मंडल। ये आ गया दिसंबर महीना आ गया, हर महीना यहाँ पे एक वर्सोवा विधानसभा के लिए एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आम जनता के लिए एक प्रोग्राम होता है,
ये मेडिकल कैंप है। मेडिकल कैंप में आज कम से कम अभी 200 के ऊपर लोग आ गए और हमारे 500 का टारगेट है हमारे यहाँ पे कि विधानसभा के 500 लोग यहाँ पे आए, आयुर्वेदिक का महत्व समझ ले और उनकी तकलीफ यहाँ पे दूर हो। यही हमारा मंडल का है बाला भाई। ये मेडिकल कैंप से नहीं, हर महीना आप देखेंगे, अभी अगला महीना चालू हो जाएगा, बाला साहब के जन्मदिन पे प्रोग्राम होगा, फेब्रुआरी मार्च स्कूल के एडमिशन्स, नोटबुक वाटअप, दिवाली में प्रोग्राम, चाचा नेहरू प्रोग्राम, गणपति, नवरात्रि, 12 महीना 12 प्रोग्राम लेने वाला वर्सोवा का एकमेव जो पदाधिकारी है वो है बाला अम्बेडकर जी। जनता को अपना आदमी लगने वाला है बाला अम्बेडकर साहब और उसी चाहत के लिए आज ये सब जनता यहाँ पे आई है। हर साल हम लोग मेडिकल कैंप रखते हैं लेकिन इस बार हम लोगों ने इस बाला अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम, राजू ढेरे, अशोक मोरे, इन्होंने यहाँ पर आयुर्वेदिक कैंप रखी है क्योंकि आयुर्वेदिक कैंप आज तक यहाँ पर हुई नहीं थी और वो बाला अम्बेडकर साहब ने ऑर्गेनाइज करके यहाँ के लोगों को एक अच्छी सुविधा प्राप्त करके दी है। आज आप देखते हैं कितने लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अभी तक कम से कम 70-80 लोगों ने लाभ लिया और 1 बजे तक है, तब तक 200 तक जरूर लोग लाभ लेंगे। और बाला अम्बेडकर के ऐसे नेचर है, वो सबके साथ जुड़े रहते हैं, कौन सा भाई भेदभाव करते थे। आज बाला अम्बेडकर खाली मेडिकल कैंप ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स का करते हैं, इतर सामाजिक कार्य करते हैं और या इस वर्सोवा क्षेत्र में बाला अम्बेडकर का नाम अच्छी तरह से है और वो अच्छी तरह से सब लोगों को मिलजुल के लेके सबकी सुविधा का प्राप्त करते हैं। स्कूल का एडमिशन होए, किसी का फीस भरना हो, उससे भी मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी बाला अम्बेडकर करते रहे और ऐसे समाज से हो या वर्सोवा विधानसभा में लाभा है, इसका मैं जरूर बाला अम्बेडकर को क्रेडिट देता हूँ और यहाँ आगे भी ऐसे ही सुविधा प्राप्त करते रहेंगे, ऐसे में ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ।